एक इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उद्धार पाता है, नया जन्म पाता है, इसका मतलब यह है कि वो जीवन में पहुंच चुका है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जान चुका है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में उसके जीवन में जो है अनंत जीवन आ जाता है। लेकिन भाई और बहनों, जब अनंत जीवन हम जीने की कोशिश करते हैं तो हमारे बीच में कौन आता है? शैतान आता है। शैतान आके अटैक करता है। हे भाई और बहनों, उद्धार से पहले अटैक शैतान करता था हमारे आत्मिक जीवन के पर, हमारे शरीरों के पर। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो भाई और बहनों, शैतान भी अटैक करता है, हमारे रिश्तों में अटैक करता है। शैतान जो है हमारे यार दोस्तों में अटैक करता है आके, और शैतान जो है हमारी फैमिली में अटैक करता है, और भाई और बहनों के बीच में भी अटैक करता है, और रिश्तों को जो है तोड़ देता है। हे भाई और बहनों, छोटी सी नफरत हमें अनंत जीवन से दूर लेके चले जाएगी। वचन में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं क्योंकि हम जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्यार करते हैं। है भाई और बहनों, हम इसलिए जीवन में प्रवेश करते हैं अनंत जीवन में, क्योंकि हम अपने भाइयों से प्यार करते हैं। अगर हम अपने भाई से अगर प्यार नहीं करते हैं, वचन में लिखा है, तो वो क्या है? मृत्यु की दशा में है। यानी कि वो इंसान पैदा हुआ है और वो चल रहा है, अपने भाई से अगर नफरत कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जीवन में अनंत जीवन नहीं है। वो इंसान जो है धरती के ऊपर जी रहा है, लेकिन वो मरा हुआ इंसान है, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जिसके जीवन में उद्धार नहीं है, जिसके जीवन में प्यार ही नहीं है, तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि वो मृत्यु की दशा में जो है जीता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपने भी उद्धार पाया, परमेश्वर के लहू से धुल गए हो, और आप भी अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो, क्योंकि आप अपने भाई से प्यार करते थे। लेकिन अगर आप अपने भाई से प्यार नहीं करते हो, तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि अनंत जीवन जो है आपका नहीं है, आपके जीवन में जो है मृत्यु आएगी आने वाले दिनों में। आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे हर एक मृत्यु की दशा में चले जाएं। मेरे बच्चे जो हैं अनंत जीवन के लिए मुझसे दूर चले जाए, इसलिए परमेश्वर अपने दासों को भेजता है वचन को देके, और वचन जो है पढ़ा जाता है। जो वचन को पढ़ते हुए सुन के ग्रहण करके उसे मान लेता है, अनंत जीवन जो है उसी का है। हे भाई और बहनों, अगर हम सोचते हैं कि हम उद्धार पा लिए हैं तो सीधा स्वर्ग में चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारे जीवन में मृत्यु अब नहीं रहेगी। लेकिन भाई और बहनों, आप सही समझते हैं, लेकिन अगर आप अपने भाई से नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों, ये अनंत जीवन में आपको नहीं लेके जाएगी, मृत्यु में आपको प्रवेश करा देगी। हे भाई और बहनों, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वचन कहता है, जो अपने भाई से नफरत करता है, बैर करता है, इसका मतलब यह है कि वो हत्यारा है, और किसी हत्यारे के जीवन में अनंत जीवन नहीं होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, उद्धार पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, तो अनंत जीवन हमारा है, ये सही बात है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में हमारे जीवन में जो है अनंत जीवन आता है। लेकिन अगर अपने भाई से बैर करते हैं, तो वचन कहता है कि वो हत्यारा है, और किसी हत्यारे के जीवन में अनंत जीवन नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि वो आपको अनंत जीवन दे सके। क्या आप अपने भाई से नफरत करते हो? क्या आप अपने भाई से बैर करते हो? क्या आप अपने भाई से जलते हो? क्या आप अपने भाई की हत्या कराना चाहते हो? क्या आप अपने भाई की
हत्या कर चुके हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हम अपने भाई से नफरत करेंगे, बैर करेंगे, तो अनंत जीवन जो है हमारे जीवन में नहीं रहेगा। अनंत जीवन का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं रहेगा, ज्योति जो है हमारे जीवन में नहीं रहेगी। ज्योति का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हे भाई और बहनों, वो मृत्यु की दशा में होगा, और कोई भी बैर जो अपने भाई से बैर करता है उसके जीवन में जो है अंधेरा ही रहेगा, वचन कहता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी के हत्यारे के जीवन में अनंत जीवन नहीं होता है।